1971 भारत पाकिस्तान जंग में पाकिस्तान की हार का क्या कारण था? भारतीय सेना का सिखों की वीरता से कभी सीधा वास्ता नहीं पड़ा, इसलिए भारतीय सेना का एक अभिन्न अंग होते हुए भी वो सिखों के शौर्य से अनजान ही रही। ये बात अपनी पुस्तक क्राइसिस ऑफ लीडरशिप में पाकिस्तान के रिटायर्ड मेजर जनरल मुकीम खान ने लिखी है। वे सिखों के साथ हुई अपनी 1971 की जंग के बारे में लिखते हैं कि हमारी हार का मुख्य कारण था हमारा सिखों से आमने सामने युद्ध करना। हम उनके आगे कुछ भी करने में असमर्थ थे। सिख बहुत बहादुर हैं और उनमें शहीद होने का एक विशेष जज्बा है। अपने से कई गुना संख्या में अधिक सेना को भी वे परास्त कर सकते हैं। पाकिस्तानी जनरल मुकीम खान आगे लिखते हैं कि 3 दिसंबर 1971 को हमने अपनी पूर्ण क्षमता के साथ भारतीय सेना पर हुसैनीवाला के समीप आक्रमण किया। कुछ ही क्षणों में हमने भारतीय सेना के पांव उखाड़ दिए और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। उनकी महत्वपूर्ण सुरक्षा चौकियां अब हमारे कब्जे में थी। भारतीय सेना बड़ी तेजी से पीछे हट रही थी और पाकिस्तानी सेना अत्यंत उत्साह के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। पर जैसे ही हम कौसरे हिंद पोस्ट के समीप पहुंचे, उस पोस्ट की सुरक्षा के लिए तैनात भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट लोहे की दीवार बनकर हमारे सामने खड़ी हो गई। बहुत कम गिनती वाली सिख रेजिमेंट ने पूरी शक्ति से सिख जयकारा बोले सो निहाल सत श्री अकाल गुंजाते हुए हम पर भूखे शेरों की तरह आक्रमण किया। आमने सामने की इस लड़ाई में सिख सैनिक इतनी बेमिसाल बहादुरी से लड़े कि हमारी सारी महत्वाकांक्षाएं हमारी सभी आशाएं धूमिल हो उठी। हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। हमारे सभी सपने चकनाचूर हो गए। हमें पीछे भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। हम हैरान थे थोड़े से सिखों के अदम्य साहस और उनकी इस बेमिसाल बहादुरी पर। इन सिख सैनिकों ने हमारे इस महान विजय अभियान को हार में बदल डाला। ऐसा ही हमारे साथ बांग्लादेश में भी हुआ था। जसूर की लड़ाई में सिखों ने पाकिस्तानी सेना का इतनी बहादुरी से मुकाबला किया कि हमारे पैर उखाड़ दिए। जनरल मुकीम खान ने माना कि सिख फौजी हमारी हार का मुख्य कारण थे। सिखों का शहीदी के प्रति प्यार और सुरक्षा के लिए मौत का उपहास तथा देश के लिए सम्मान उनकी विजय का एकमात्र कारण बने। हम आपको एक बार फिर बता दें कि ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने पाकिस्तान के रिटायर्ड मेजर जनरल मुकीम खान की पुस्तक क्राइसिस ऑफ लीडरशिप में से साझी की है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको अपने बाकी ग्रुप में भी शेयर करें, अपने फेसबुक पे भी शेयर करें और दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का, गुरुद्वारा बंगला साहब का, गुरुद्वारा सीसगंज साहब का फेसबुक पेज पे जाके उसको लाइक करें, शेयर करें और ऐसी अनेकों वीडियो आप और देख पाएंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।